बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पोल खुलने का डर है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी अहंकार के चलते माफी नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फैसले से परेशानी है तो वो कोर्ट में लाकर फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे। वहीं इस मौके पर धनखड़ ने बताया कि 6 अप्रैल को 20,000 बूथ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बार बार जज साहब ने वकीलों ने कहा आप माफी मांगो, उन्होंने अहंकारवश माफी नहीं मांगी। हम हरियाणा वाले तो बहुत तरीका सब बता सकते थे उनको, अगर उनको ललित मोदी नीरव मोदी जैसे लोगों से तो उन दो को छोड़ के वाकई उसे माफी मांग लेते। अब वो फैसला कोर्ट का आया है, आप सारे पत्रकार सजग हो, आपको सबको पता है प्रदीप चौधरी पर एक सड़क जाम करने का आरोप था, उनकी 2 साल की सजा हो गई थी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। क्या कांग्रेस को डर ईडी का है, और केवल कांग्रेस को नहीं, इस प्रकार से जो जो भ्रष्टाचार में जेल में गए हैं वो सब आके इनके साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी डटे रहो, भ्रष्टाचारियों से लड़ो, ये वक्त है। अगर आज इन भ्रष्ट लोगों से नहीं लड़ा गया कुछ भी बहाने बनाए, क्योंकि ये रोष का कारण ही नहीं है। क्या प्रदीप चौधरी की सदस्यता निलंबित हुई जब किसी ने रोष दिखाया? अरे कांग्रेसी, उनको लगता है कि उनके भ्रष्टाचारों की पोल खुलेगी, उनकी अथा संपत्तियों की पोल खुलेगी, पार्टियों की प्रॉपर्टी कैसे व्यक्तियों के पास गई है इन चीजों की पोल खुलेगी, इसके मारे काले कपड़े पहनकर जगह जगह घूम रहे हैं। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन 4,00,000 घरों पर और 1,00,000 जो इससे ऊपर का हमारा घर करता है। अभी एक पत्रकार जागरण के मुझसे पूछ रहे थे कि वो 1,00,000 कौन है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2,000 कार्यकर्ता वो हैं जो हमारी स्टेट मोदी में 6 मोर्चों में भारतीय जी कार्यकारिणी में और हमारे 25 प्रकोष्ठ विभागों में, 10,000 कार्यकर्ता हमारा जिला लेवल का है, हर जिले में 500 कार्यकर्ता जो जिले की मोदी में और जिले की मोर्चे और प्रकोष्ठ में, और 100 कार्यकर्ता हैं जो मोर्चों में पार्टी की मोदी में 30,000 कार्यकर्ता से हर 15 घरों की संभाल रखना है, सेवा करना है केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजना।